allowed to do over here. మొబైల్ కై చేస్తారు వా చేస్తు మిస్ అయ్యా సరే నాకు పాట పాట తిల్రి అదే ఆహా ఆంద ఆంద ఓ సాక్ బా ఏ ప్రభు సత్యదల్ తెస్తా మే పాప అపనే ఏ ఇదరా ఇదరా ఏ నాగ నాగ రే బడా ఏ ఓ థైలా లేగా థైలా లేగా గాడి కదే గాడి కదే ये मुंह ओसड़ करे नहीं रंग जोड़ो ने अपने काम से काम चेक करने आ यार बैक को एक ये देखो हुक का पाइप 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 है देख ये पाइप है हां वो जो थोड़ा एक मिनट एक मिनट पत्थर के नीचे से नहीं अरे क्या कर मोदी करेगा नहीं लाया था नहीं तभी मेरा हाथ उसके मुंह पे लगा हुआ हां इसके लिए मैं सोचा अभी मुंह बराबर देखना नहीं मामा बुला जा रहे चल बा जल्दी आओ पांच ये सर हम तुम्हारे पास है ये सर ये सर हां यहां से ये यहां है दिख रहा नहीं बहुत बड़ा है वो निकल तो गया वो निकले नहीं निकल नहीं लो अभी अभी रखना उसके नीचे से है ना क्यों बोले तो अंगली डालने के बदले ये कर सकता नहीं तुम्हें ऐसा डर को फिर अकेले पड़ेंगे बाहर गिर आया तो बारह मेरा कम छोड़ है कितना बड़ा है छोटा क्यों नहीं आंटी देखा इधर कितना जल्दी आ जल्दी आओ जल्दी आओ नहीं संभलता नहीं नहीं हां हां लाख साहब को कितना बड़ा है खेल खत्म पैसा हजम चलो अभी हां अभी इसे पकड़ने के बाद अभी रिलीज करने का जरूरी है इसे बैग में ऐसा जो बैग रहता है ना ऐसे बैग में पकड़ना थोड़े लोग अभी बॉटल में पकड़ते हैं उनको एक्सपर्ट नहीं रहे मालूम नहीं रहा तो उसको बॉटल में डालने जाना नहीं मेंढू खाया लगता तब से बुला रहे हो चलो देंगे सर ले जाओ थोड़ी है बंद कर मेरे हिसाब से ये सही जगह है शांत और एकदम शांत ठंडा इलाका है अभी ये मेंढक को निगला हुआ है तो अभी इसको हम लोग हाथ में हैंडलिंग ना करते हुए डायरेक्ट जंगल में छोड़ देंगे प्लस में इसको अभी मैं हाथ में पकड़ा तो ये अपना खाना बाहर उगल देगा जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा और कुदरत के साथ भी तो सांप के साथ भी अच्छा नहीं होगा उसका आहार अगर वो देखो उसका पेट जो फुगा हुआ है इसमें मेंढक है ये रेस्क्यू भी सही रेस्क्यू माना जाएगा क्योंकि अगर ये अपना भोजन बाहर निकाल देता तो ये रेस्क्यू करके फायदा नहीं होता इसका बहुत बड़ी मेहनत करके वो अपना शिकार पकड़ा हुआ होता है जिसको उसको हाथ पैर ना होते हुए भी वो अपना शिकार करके खाता है अगर इंसान का एक हाथ डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया छोटा सा भी अगर इंसान अपने आप को काम करने में असक्षम समझने लगा तो वो एसटीडी खोल के बैठ जाता है या तो दुकान खोल के बैठ जाता है वो मेहनत करने के लायक नहीं रहता लेकिन ये सांप का ऐसा नहीं है इसके हाथ पैर कुछ भी न होते हुए भी ये बेचारा शिकार करके खाता है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका भोजन बिना उगले मैंने उसको पकड़ के रेस्क्यू करके बैग में डाल के इसको बिना तकलीफ दिए छोड़ दिया यही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है ये हमेशा मेरे साथ आता है इसकी मेहनत से वीडियो मिलता है आपको वरना कोई भी नज़दीक नहीं आता सांप के तो इसका भी शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि इसकी वजह से मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ किस तरीके से सांप को पकड़ा जाता है और कैसे उसके साथ में हम लोग न्याय के साथ में पकड़ सकते हैं बिना तकलीफ के साथ में हर रेस्क्यू में रहता है इसका बहुत बहुत शुक्रिया ये
ये मेरे को सपोर्ट करता है, इसका तो रेस्क्यू करना इसका ये नहीं है, मतलब ये रेस्क्यू नहीं करता लेकिन फिर भी हर रेस्क्यू में मेरे साथ रहता है, ये भी एक प्रकृति के लिए अपना योगदान मैं समझता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहे। आप लोग मेरा बेल अकाउंट दबा दीजिए YouTube चैनल का, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको भी मैं क्या क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, जो भी रेस्क्यू वगैरह मैं करूँगा, जो भी एडवेंचर होगा वो आपके साथ मैं बांटूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।